अजुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो डॉट कॉम पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलब इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्हासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं द माकेदार डील्स, महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates sare online se bhi saste. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. Aaj hi aaiye aur consumer appliance le jaiye easy EMI par. Dekhiye, main khud Ulhasnagar ka nagrik hoon. Yahan pe मेरा जन्म हुआ है और आज जो मैं 3 बार का नगर सेवक रह चुका हूँ, मेरे परिवार से भी लोग रहे हैं, तो वो हमारी एड्रेस तो उल्हासनगर की है। और रही बात कि ये जो उल्हासनगर की पार्ट को अलग किया गया है, वो जो रेखा निकली है वो एक प्रशासन का सिस्टम है, जो बाउंड्री को बनाया गया है विधानसभा 141। पर जब मैं उल्हासनगर 141 में घूमता था, जब मैं खुद सभागृह नेता रहा हूँ महानगर पालिका, तब मैं एक काफ़ी पदाधिकारी और कुछ नागरिक समस्या लेके आते थे और उसमें सबसे ज़्यादा समस्या हमारे 1, 2, 3 की होती थी। तो मैं जब घूमता था वहाँ पे देखता था और मैंने कई सारे पदाधिकारी और वहाँ के नागरिकों के काम किए, तो मैं घूमते घूमते वहाँ जब उनके काम किए तो लोगों ने बोला कि आप आगे जब विधानसभा होता है तो ज़रूर आप यहाँ पे आके यहाँ का प्रतिनिधि करो, क्योंकि आपके जो कार्य है ऐसे कार्य आज तक हमारे यहाँ के नेता करते ही नहीं हैं और हमारे को हमेशा आश्रय पर रखा जाता है। और मैंने देखे कि कुछ कार्य तो महापौर के वार्ड में हमने करके दिए, जो उनके घर के सामने से काम थे, लोगों के छोटे छोटे काम उन्होंने किए नहीं थे। लोग इतने निराश हो चुके हैं ना 1, 2, 3 के इन दोनों परिवारों से कि कोई एक काम करता नहीं है, खाली सुनते हैं हाँ मिलती है पर काम होता नहीं है। तो इतने सारे काम वहाँ पे आज पेंडिंग होने के कारण, और मेरे को लोगों ने काफ़ी अच्छा, मुझे तो एक डॉक्टर मिले थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप जैसे लोग ही हमारे यहाँ ये साइड आके काम करिए, नहीं तो हमारा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो बस मैं लोगों के रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आया हूँ और वहाँ पे रुका हूँ। और ये उल्हासनगर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। लोग ये न समझें कि मैं उल्हासनगर के 2 टुकड़े हैं, अगर इस तरह सोचेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा शहर का। भरत जी, ऐसा भी बताया गया है कि जब आप 25 करोड़ की निधि अपने पैनल में लाए थे तो काफी आपको संघर्ष करना पड़ा, काफी कुछ राजनीतिक दलों ने आपकी निधि कैंसिल कराने के लिए भी काम किए थे, फिर किस प्रकार से आपने संघर्ष करके वो सारे काम पूरे किए, कितनी चुनौतियां, कितनी तकलीफें आपको आई? सबसे पहले तो मैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार, हमारे पार्टी के नेता, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस शहर के लिए 25 करोड़ की निधि दी। पर जब वो निधि को इन्होंने रोकने का प्रयास, सबसे पहला स्वर्गीय ज्योतिबा भी कालानी, उन्होंने जाके रोकने का काम किया कि भाई आपने उनको निधि दी है, हम आगे शहर में किस तरह जाएंगे लोगों के बीच में और क्या बोलेंगे कि हम आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया है, तो कृपया करके ये नीति रोकी जाए।
और वो रोकने के लिए उन्होंने पुरजोर ताकत लगा दी कि भाई ये नीति आज की आज रोकी जाए और कैंसिल की जाए, क्योंकि नहीं तो हम शहर में कहीं पे भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, जिसके कारण आप इनकी नीति रोकी जाए। पर हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और वो वहाँ से निराश होकर वापस आए। उसके बाद महानगर पालिका के अंदर किसी ठेकेदार को कहा गया कि भाई ये आया हुआ अमाउंट ये शहर में वापस जाना चाहिए, जो भी उसका नुकसान होगा कालानी परिवार भर के देगा। फिर भी हमने वो सब उनके जो हथकंडे थे वो सब खत्म किए। उनके पीछे एक ही उनका उद्देश्य था कि अगर ये विकास कर गया तो इसका शहर में नाम होगा, नहीं तो उन्होंने पिक्चर बनाई थी कि ये पैसा गवर्नमेंट को वापस जाए तो हम दिखाएंगे कि देखो ये किस तरह का नेता है जिसको पैसा घर तलक पहुंचा भी पर विकास नहीं कर पाया। इसके कारण उन लोगों ने पूरी ताकत लगाई मगर हमने उनकी वो ताकत भी फेल कर दी। अच्छा, ये सब हुआ टेंडर तलक बाद। उसके बाद जब जमीन पे विकास करने पे उतरे तब इन्होंने जो लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये विकास हो उन्होंने अपने आदमी खड़े किए, वहाँ पे कोर्ट तक गए, कमिश्नर को पेशा डाला कि ये काम रोको इनका। उस कारण आज मेरे वार्ड के लोगों ने भुगता है बहुत इनके कामों, इनके कोर्ट में जाना, कमिश्नर को पेशर करना, जिसके कारण कुछ विकास कार्य डिले भी हुए, जिसके कारण आज वो रोड की हालत ऐसी थी कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, मट्टी हो रही थी, लोगों की धूल घरों में जा रही थी। तो इन लोगों ने खाली नेगेटिविटी वाले काम किए हैं, विकास इनसे खुद से होता नहीं है और जो करता है तो उसको भी ये रोकने को आते हैं। आपके ही कुछ चैनलों में आपने देखे होंगे खुद ये लोग मैदान पे उतर के विरोध करने आए हमारे कामों को। तो हमने ये सब फेस किए और उसके बाद भी हमने आज विकास किया है। आज लोग खुश है, उनके प्रॉपर्टियों की वैल्यू बढ़ी है, इसके अलावा जो बिजनेस में ग्रोथ है वो भी उनकी अच्छी खासी हुई है। आज हमारे यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ, उसमें उल्लासनगर शहर एक व्यापारी शहर है और जैसे आपने आपके कैंप 5 के रस्तों का डेवलपमेंट किया है तो आपने कुछ विजन रखा है कि जो व्यापारी क्षेत्र है उल्लासनगर का, जो जहाँ से व्यापारी बड़ा व्यापार होता है वहाँ के रस्ते बहुत छोटे है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, तो उसके बारे में आपका क्या सोच है? आज मैं जब वहाँ पे घूमता हूँ काफ़ी सारे व्यापारियों ने बताया मुझे कि भाई यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, बहुत से दूसरे प्रॉब्लम है। आज जिस दूसरा इसके अलावा इनके बिजनेस भी कम हुए हैं। मुझे, मैं राहुल शूज़ गली में गया था, सारी मार्केट है, उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस लगभग ख़त्म हो गया है। उसके कारण है कि हमारे उल्लासनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फेल हो चुका है। उनका बिजनेस कोंडगांव शिफ्ट हो चुका है काफ़ी सारा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारा पार्किंग स्थल होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्ट्रांग निर्णय भी लेने पड़ते हैं और वो इन दोनों नेताओं में है नहीं कि वो स्ट्रांग डिसीजन ले सके। या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो लोगों को विश्वास में लेवे और वो काम कर सके। बस उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, व्यापारियों के बारे में सोचना नहीं है। आज इंडस्ट्रियल या रोड खड्डे, गाड़ियां खराब, तो हमारा काफ़ी विजन क्लियर है कि हम आने वाले टाइम में सब व्यापारियों को विश्वास में लेके यहाँ पे एक अच्छा, जो हमारा उल्लासनगर का नाम है कि ये उल्लासनगर व्यापारियों का शहर है, उसको बनाएंगे। भरत जी, इन चुनाव में आप उतरे हो, आपके क्या मुद्दे रहेंगे और आपका क्या विजन है, क्या बताएंगे शहर को? देखिए, मेरा क्लियर विजन है कि उल्लासनगर से गुनहगारी और भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और जो लोग खुद बोलते हैं कि हमारे दो भाई मरे, एक बोलता है मेरा बाप जेल काट के आया और दादाजी को मारा गया है, एक्चुअल जो शहर की हालत है वो इनकी ही देन है।
इसके अलावा मैं शहरवासियों को बोलूँगा, आह्वान करूँगा कि जो आज चुनाव हो रहे हैं उसकी जो परीक्षा है वो नेताओं की नहीं, आप लोगों की है। अभी आपका सही टाइम है कि आपको कौन सा नेता चुनना चाहिए, जो विकास करे या विनाश करे, अब आपके हाथ में है। धन्यवाद।